रणबीर कपूर स्टारर फिल्म एनिमल में कुछ मिनटों का किरदार निभाकर रातों रात स्टार बनी तृप्ति डिमरी आज किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। इस फिल्म के बाद उनकी फैन फॉलोइंग में अच्छा खासा इजाफा भी हुआ था और भाभी नंबर टू का रोल कर नेशनल क्रश बन चुकी एक्ट्रेस से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि 30 साल की एनिमल एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी ने मुंबई में अपना एक आलीशान बंगला खरीदा है और उन्होंने ये बंगला बांद्रा वेस्ट एरिया के कार्टर रोड पर खरीदा है। बता दें कि रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने ये बंगला 14 करोड़ रुपए में खरीदा है और ये ग्राउंड प्लस 2 मंजिला बंगला है। इस बंगले की कीमत 14 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक तृप्ति डिमरी ने इस प्रॉपर्टी के लिए 70 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी और 30,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन शुल्क दिया है और बंगले का टोटल एरिया 2,226 स्क्वायर फीट है और इसमें 2,194 स्क्वायर फीट का बिल्ट अप एरिया शामिल है, जिसका लेन देन और रजिस्ट्रेशन 3 जून को हुआ था। बता दें कि तृप्ति डिमरी हाल ही में IMDb की सबसे ज्यादा देखे जाने वाले भारतीय स्टार्स की टॉप 100 लिस्ट में शामिल हुई थी। वहीं अब उनके वर्क फ्रंट की बात करें तो वो साल 2023 में फिल्म एनिमल में दिखाई दी थी और इस फिल्म के बाद उनके हाथों में कई नए प्रोजेक्ट्स भी लगे थे। अब वो जल्द ही कार्तिक आर्यन के साथ फिल्म भूल भुलैया 3 में नजर आने वाली हैं, जो कि दिवाली के मौके पर रिलीज होगी और इसके साथ ही वो एमी वर्क और विक्की कौशल के साथ बैड न्यूज में भी नजर आएंगी, जो कि जुलाई में रिलीज होने वाली है। अब इन दोनों के अलावा वो धड़क 2 और विक्की विद्या का वो वाला वीडियो में भी अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाती फैंस के सामने नजर आएंगी। वहीं फैन भी अपने नेशनल क्रश और भाभी नंबर 2 को एक बार फिर से स्क्रीन पर अपने हुस्न का तड़का लगाते हुए उनका इंतजार नहीं कर पा रहे हैं।